हमको तो भरोसा था हाई कोर्ट पर, लेकिन हाई कोर्ट ने ही इनको बेल दिया, ये भरोसे के काबिल नहीं रहा था। और आज जो है माने हाई कोर्ट ने उनका अपील खारिज किया है, इस पर हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता है। और हम ये कहेंगे कि आगे जो है माने उम्र कैद की सज़ा को बदल करके फांसी की सज़ा दिलाया जाए, ताकि लोगों को ये इत्मीनान हो कि हाँ न्याय भी कोई चीज़ है, न्यायपालिका का भी जो है कोई चीज़ है। वैसे सिवान ठीक है, सिवान के हर आदमी प्रसन्न है, खुश है। अभी आप बता रहे थे कि बेटा मेरा शहीद हुआ है, उसकी हत्या नहीं। जी 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 जी, हम तो ये कहेंगे कि हमारे लड़के जो है मारे नहीं गए, शहीद हुए। सिवान की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, और सिवान की आज़ादी के लिए ही नहीं, शहाबुद्दीन जैसे खूंखार व्यक्ति, शहाबुद्दीन जैसे दरिंदा से सिवान को छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। अब देखिए, हाई कोर्ट से और बिहार सरकार से तो हम ये कहेंगे कि अब हमारे बारे में बिल्कुल पूछिए, क्योंकि हमारे पास दो पैसा कमा कर देने वाला कोई नहीं है। भोजन के भी लाले पड़े हुए हैं, किसी तरह से गुजारा हम चला रहे हैं। पत्नी बीमार है, बीमार पत्नी को लेकर के इनकी दवा दारू जो है कराना नहीं पड़ता है। अपने जो है बच्चे के परिवार का मैंने भरण पोषण किसी तरह से हम कर लेते हैं। ना कोई बिजनेस रहा, ना कोई कमाने वाला रहा, और इस स्थिति में सरकार अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो हम जो है बेमौत की तरह से मर जाएंगे। और दूसरा क्या है, नीचे जी मैंने दम घूट रहा है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता है, सिवान को आज़ादी मिली। अब आपको किसी प्रकार का डर भय तो नहीं है? डर भय तो हमको शुरू से ही भगवान पर भरोसा था, क्योंकि शुरू से हमको 7 बरस तक हमारे साथ जो है गार्ड रहे। गार्ड को छोड़ देने के बाद 3 साल के बाद, यानी कि 10 बरस बीतने के बाद हमारे तीसरे बच्चे का मर्डर हुआ। उसके बाद बीच में जो है नीतीश बाबू आए हुए थे यहाँ राजेंद्र स्टेडियम में, तो नीतीश बाबू ने कहा था कि नहीं, हम आपको सुरक्षा मुहैया करा दे रहे हैं, आप जब कहिएगा तब सुरक्षा देंगे हम। लेकिन हम सोचे कि नहीं, सरकार का भी पैसा बेकार खर्च हो रहा है, हमें कुछ राहत मिल जाए तो बेहतर है। भगवान मालिक है, ऊपर वाले पर भरोसा है, और ऊपर वाले के भरोसा पर हमने छोड़ दिया था। लेकिन फिर आज जो है हमको गार्ड लोग मिले हुए हैं और हमारी सुरक्षा हो रही है। उसमें हम किसी तरह से मैंने, अगर सुरक्षा नहीं होती, नहीं मिलती, तो शायद हो सकता है कि हमारा भी मर्डर हो गया होता। तो आज हम प्रशासन के भरोसे, सुरक्षा के भरोसे अपने को जिंदा रखे हुए हैं। और ये देखने के लिए, शायद हम इसको यही कहेंगे कि शायद ये देखने के लिए जिंदा हैं कि हमारे बच्चों के मरने का अर्थ क्या होता है। और आगे जो है हम उम्मीद करेंगे कि न्यायपालिका मैंने उनको इससे भी आगे बढ़कर के कोई दंड हो, यानी फांसी की सजा हो, तो हम धन्य समझेंगे।